ए व्हाट्स अप गाइस, स्ट्रीट गाइस चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि बाकी सारे यूट्यूबर्स में सबसे पुराना हेयर ट्रांसप्लांट जो कि मेरा हुआ है, मुझे तकरीबन 2016 दिसंबर में मैंने किया था, तो हो चुके मुझे 17-18 महीने हो चुके हैं। सो 17-18 महीने के पीरियड में जो कि मैंने क्या क्या कंटिन्यू किया, कौन सी टैबलेट्स ली या फिर कोई अलग से ट्रीटमेंट लिए, PRP कितने लिए, बाद में क्या रहता है कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है या नहीं, और जो दोस्तों बाकी सारे सभी क्लिनिक्स जो कि कमिट करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो कि है परमानेंट सोल्यूशन है, ठीक है। सो ये चीज़ का एक थोड़ा सा सबूत मैं देना चाहूँगा कि मुझे आज 18 महीने हो चुके हैं कि मेरे कुछ बालों में फ़र्क है या फिर मेरा हेयर फॉल हुआ है, मेरे में अभी गंजापन है। जो पहले में ये था, आप साइड में फ़ोटोज़ देख रहे होगे कि पहले में ये था, तो क्या मैं ऐसा वापस हो रहा हूँ या फिर इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। 18 महीने हो चुके हैं, 18 महीने में जो भी अप्स एंड डाउन्स मेरे बालों के साथ हुए रहेंगे वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो जाने के लिए देखिए पूरा वीडियो। सो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट मेरा जब हुआ था 2016 दिसंबर महीने में, और मेरे को जो कि है हेयर लाइन की रिक्वायरमेंट थी, जो कि मेरा आप ये पोर्शन देख सकते हो यहाँ पे जो कि बाल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन हेयर लाइन जो मेल पैटर्न रहता है एक साइड कॉर्नर्स, वो अंदर जा चुके थे। तो अंदर जाने की वजह से जो कि है थोड़ी सी एजिंग एज थोड़ा सा हमारा जो कि ज़्यादा लगने लगता है, क्योंकि मेल पैटर्न बॉल्डनेस रहता है वो, और उससे ही जो कि बॉल्डनेस ग्रेड स्टार्ट होते हैं अपने। तो मुझे खुद को महसूस होने लगा था कि यार मैं ये हेयर स्टाइल नहीं बना सकता हूँ, या फिर मेरा लुक थोड़ा सा ऑड लग रहा है, क्योंकि बाकी सारे दोस्त लोग थे 20-22 साल में जो कि हम एक दूसरे को कॉपी बहुत ज़्यादा करते हैं, और एक्टर्स को कॉपी करते हैं, कोई मॉडल रहता है अपना उन सबको कॉपी करते हैं उनकी हेयर स्टाइल बनाने का, हम जो कि है हमें एक फैड रहता है उनको कॉपी करने का, जो शूज़ वो यूज़ करेंगे, जो कपड़े वो यूज़ करेंगे वैसे स्टाइल में जो कि है दोस्तों हमारा एक माइंड सेट रहता है वो उम्र में, ठीक है। सो मेरा भी वही था, सेम था कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, वैसा वैसा हूँ, और मेरी ये सारी चीज़ें हैं, और मैंने ठान ली थी कि मेरी हेयर के वजह से मैं आगे, और मैंने जो कि ठान ली थी दोस्तों कि मेरी हेयर के वजह से मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा जो कि माइंडसेट बन चुका था, तो इसके ऊपर मुझे वर्कआउट करना था। फिर मैंने जो कि डिसाइड किया, मेरे पास जो कि कैसे पैसे आए, कैसे मैंने जुगाड़ किया, वो तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया। जिन किन को मेरी पूरी स्टोरी सुननी हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो कि लिंक देखे रखी है, आप वहाँ पर जा सकते हो, मेरी कंप्लीट मैंने स्टोरी बताई है कि ऐसी क्या क्या कंडीशंस थी जिन्होंने मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करने पर मजबूर कर दिया था, आप देख सकते हो, ठीक है। सो उसके बाद जो कि है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद टेंशन फ्री होना है आपको, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हो, टेंशन फ्री होना है, ठीक है। तीन महीने तक कि आपका शेडिंग फेज चलता है। शेडिंग फेज मतलब जो कि है आपके लगाए हुए जितने भी बाल हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि वो डेड रूट्स रहते हैं, उसमें से बाल नहीं आते हैं, वो गिर जाते हैं, और जो कि नए बाल 3 महीने के बाद आना, किसी किसी के 4 महीने तक भी शेडिंग फेज चलता है, और 4 महीने के बाद रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। सो दोस्तों, मैं हेयर ट्रांसप्लांट का और एक मीथ बता दूँ कि बॉडी रिस्पॉन्स बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना। अब किसी किसी के साहिल के रिजल्ट देखो कितने अच्छे आए हैं, ठीक है, मोहित के थोड़े से कम आए हैं, दिलीप के भी अच्छे आ गए हैं। सो बॉडी रिस्पॉन्स हर एक का वैरी करता है, जबकि तन्नू का इतना सा हुआ है फिर भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सो बॉडी रिस्पॉन्स बहुत मैटर करता है, बॉडी रिस्पॉन्स मेरे को जो कि मैंने 3 महीना हो चुका था और मुझे रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए, 4th महीना भी हो चुका था फिर भी रिजल्ट आना स्टार्ट नहीं हुआ था। सो जो कि मैंने जैसे बताया कि मैं क्लिनिक के ऊपर गुस्सा हो गया था, ऐसा वैसा क्या है, और फिर मैंने जो कि हेयर फूल करके टैबलेट वगैरह बताई थी, फिर मेरी ग्रोथ स्टार्ट हुई थी लेनी, क्योंकि मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया गया था क्या क्या लेना है, कैसे क्या करना है। सो आई वॉज नॉट अवेयर कि ऐसा भी कुछ लगता है, मैंने सोचा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया बस फ्री, एक्चुअली होता है वैसे, मुझे ज़्यादा कुछ इतना बहुत बड़ा असर नहीं हुआ वो टैबलेट्स वगैरह का, जो कि है बॉडी रिस्पॉन्स ही इंपॉर्टेंट रहता है सबसे, क्योंकि भाई जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, जितनी बॉडी में आपकी कैपेसिटी है फास्ट ग्रोथ पकड़ने की उतनी अपने बॉडी में ही है, ठीक है। आप फिर एक्सटर्नल जो भी चीज़ें यूज़ करते हो उसका जो कि टेम्पररी इफेक्ट रहता है, जस्ट पुश करने के लिए, ठीक है। सो उसके बाद दोस्तों, जैसे कि जो मॉर्निंग वॉक मैंने स्टार्ट किया, डाइट प्लान्स बताए, जैसे मैं चने की दाल खा के और गुड़ खा के, बादाम खा के, फिर वो मूंगफली वाले दाने खा के, जो भी प्रोटीन के सोर्स थे वो चीज़ें मैंने खाना स्टार्ट कर दी, ग्रीन वेजिटेबल्स थी, ये सारी चीज़ें खाने के बाद जो कि यस मुझे इम्प्रूवमेंट दिखी, और मैं जो कि आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं कोई भी क्लॉथ्स वेयर करता हूँ, कोई भी कलर वेयर करता हूँ,
डांस करने के लिए जाता हूँ या फिर किसी पार्टी में शामिल होता हूँ, हाथ में माइक भी पकड़ लेता हूँ। सो जो पर्सनालिटी रहती है, पर्सनालिटी जो इम्पैक्ट रहता है लोगों से बात करने का, जो आप एक्सप्रेस कर पाते हो, जो हेयर ट्रांसप्लांट के बिफोर जो नहीं हो पाता था मुझसे, वो जो कि मैं अभी इजीली कर पाता हूँ। मेरे पहले वीडियोस देखोगे दोस्तों आप, जिसमें मेरी बोलने की मतलब उतनी है ही नहीं, बोलने की मतलब वो जो स्किल्स रहती है उतनी मेरी पावरफुल नहीं थी, जो कि फिर अभी जो कि है बातें कर कर के और जो कि खुद को आईने में देख देख के वो कॉन्फिडेंस अभी ग्रो हो चुका है खुद के वीडियोस देख देख के। तो मैं इतनी फ्लुएंटली विदाउट एनी स्क्रिप्ट, मेरी कोई स्क्रिप्ट अभी तक की एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो मैंने स्क्रिप्ट बना के किया है। सीधा अपना फ़ोन या फिर कुछ भी सामने रख देता हूँ, कैमरा वगैरह, और रिकॉर्ड करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्या करना है भाई, जो भी सच्चाई है, जो भी अभी चीज़ें जेन्यून है बताओ, है ना। तो एडिट वगैरह मैंने अभी कुछ चीज़ें की नहीं है, सो मेरी पहले से जो कि था, मैं जो कि देखो पीछे बैकग्राउंड सब कपड़े वपड़े गिरे हुए हैं, तो लड़के हैं, लड़के ही तो वीडियो देखते हैं, उसमें क्या है ना। देखो पीछे अंडरवियर कच्चा टंग रहा है। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों, सो मैं फटाफट बता दूं कि मैं किस प्रकार था पहले, जो फ़ोटोज़ आप देख ही रहे हो किस प्रकार था पहले, और मेरे कितने ड्रास्टिक चेंजेस हुए, और अभी जो कि हेयर ग्रोथ दोस्तों, ये जो को मैं लाइट में बैठा हूँ, यहाँ से खिड़की से जो कि लाइट आ रही है, नेचुरल लाइट आ रही है, ठीक है। सेल्फी मोड है, सेल्फी मोड है, अच्छा कैमरा है, सैमसंग का है, 16 मेगापिक्सल है, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ये देखिए मेरी ग्रोथ, मेरे बाल देख लीजिए। यस, मेरे जो कि कर्ली हेयर है, पेरेंट्स से ही जो कि मशीन में मेरे को कर्ली हेयर से बिठाया गया, तो अभी भी कर्ली हेयर से आते हैं। सो मैं खुश हूँ इससे, क्योंकि लुक एट माय लुक, मतलब अभी मैं कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ कि यस मैं हैंडसम लग रहा हूँ। सो यस, मेरे लुक से मैं खुश हूँ, और मेरी हेयरलाइन देख लो बिल्कुल नेचुरल है, ऐसा कोई अभी तक कहता नहीं। अगर जिसको पता है तो वो हाँ तूने किया था इसलिए हैंडसम हुआ ने, बराबर ना, तो वैसा नहीं है भाई। ये जो कि मेरा हेयर स्टाइल बहुत बड़ा उसके पीछे सीक्रेट है दोस्तों, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन लोग का हेयर स्टाइल ही अलग है, उनका कभी कभी दिख के भी आता है कि ट्रांसप्लांट हुआ है, हेयरलाइन वगैरह उनका एकदम गेसेबल है, लेकिन मेरा देख लो, मैंने ये हेयर स्टाइल रखा हुआ है, मैं ये तुमको अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ, ये रख लो, नेचुरल लगेगा हेयर आपका हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि यहाँ से तुम कम कर लो, यहाँ से कम कर लो, और ऊपर तुमको जो कि सारे बालों को गैदर करना है, एक झुंड बनाना है जिससे कि आपकी डेंसिटी अच्छी लगेगी और हेयर लाइन जो कि हिडन हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि आप अगर खींचते हो पीछे ना बाल तो भाई आपके जो कि है हेयर लाइन दिख के आनी है, ठीक है ना। अगर मैं भी खींचूँ पीछे तो लुक एट दिस, ठीक है, लेकिन मैं खींचता नहीं हूँ, मैं जगह पर जगह रखता हूँ और फिर क्लब कर देता हूँ, हो जाता है मेरा, ठीक है सेट। तो इस प्रकार जो कि है दोस्तों मेरी ग्रोथ है, ये हेयर लाइन थी, मैंने हेयर लाइन की थी, ये साइड का ये ऐसी प्रकार है, ये साइड की ये ऐसा है, एकदम देसी स्टाइल में मैं जो कि शो कर रहा हूँ। मेरे पास वो ज़्यादा भारी वाला कैमरा है फिर वो दिखाने के लिए नहीं, पीछे का डोनर वोनर देख लो, एक मिनट आ जा भाई। अच्छा, हाथ घुमा के दिखाना रहता है ये, ठीक है। सो आपको आइडिया हो गया होगा, क्योंकि मेरे पीछे भी डोनर एरिया काफ़ी मजबूत हो चुका है, तो मैं और एक सेशन इन फ्यूचर अगर लगे मेरे को, क्योंकि अभी खुजा के मेरे को लगा है, मेरे को पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट से रिजल्ट वगैरह आते हैं, बाल भी अच्छे हो जाते हैं, तो मेरे में अगर क्योंकि पेरेंटल है, अगर ये बाल झड़ भी जाते हैं मेरे पीछे के हेयर लाइन वाले नहीं, पीछे के जहाँ पे नहीं हुआ था, तो मैं इन फ्यूचर एक सेशन और मारूंगा जिससे कि मैं लाइफ टाइम सेट हो जाऊंगा, बाल बेल एकदम नहीं कहेंगे बुढ़ापे तक, मेरे पोते भी कहेंगे कि अंकल कहेंगे, अगर कोई कोई बच्चा देखता है तो भी अंकल अंकल बोले, ना कि दादा वादा बोले, है ना, यही ख्वाहिश है। Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for-